जय हिंद वंदे मातरम साथियों, डिफेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डिफेंस एजुकेशन आज आपके 20 क्वेश्चंस लेके आ चुकी है। इस क्वेश्चंस के अंदर हम दोस्तों 20 में से आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर दीजिए। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों हमारे मॉडल पेपर सेट बैच अग्निवीर के 17 तारीख से ऑनलाइन रोजाना आपको मॉडल पेपर सेट के पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अभी जो लेटेस्ट अपडेट बुक चक्षु पब्लिकेशन की एक गाइडलाइन चल रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं अग्निवीर के लिए 50 मॉडल पेपर सेट है। दोस्तों इसे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 50 मॉडल पेपर सेट है, सिलेबस के आधार पर बनाए हुए हैं, कुल 50 प्रैक्टिस सेट है। इसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और चक्षु पब्लिकेशन ने ट्रिपल सी का बात किया है, अग्निवीर के लिए भी, आपके लिए कलरक जीडी के लिए भी है, ट्रेडमैन के लिए भी और सैनिक टेक्निशियन के लिए, तो चारों बुक आप परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं घर बैठे। अच्छी बुक है और दोस्तों यहाँ से सिलेक्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, तो आज ही परचेज करें। ऑनलाइन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां पर जाइए। चलिए दोस्तों आज हम कुछ प्रश्न करेंगे, आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ी हवा तेज चल रही है। चलिए देखिए, उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको ज्वाइन करना तो मुझे मैसेज जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, सर हमें इसका पीडीएफ फाइल ज्वाइन करना। चलिए पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज लागोस। क्या है दोस्तों, लागोस के अंदर है। अब दोस्तों सबसे पहले लागोस है क्या, नाइजीरिया के अंदर है। कहाँ है, नाइजीरिया, लागोस है कहाँ, नाइजीरिया के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम फटाफट चलेंगे अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन में कौन सी क्रांति से संबंधित है, क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो इस क्रांति का राइट आंसर है भूरी क्रांति। क्या दोस्तों, भूरी क्रांति से संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा। निम्न में से कौन सा जल स्थायी कठोरता का कारण होता है, स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम सल्फेट का काम होता है, किसके लिए कैल्शियम सल्फेट का काम किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व उस उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, चार नंबर प्रश्न है। यस राइट आंसर हीलियम। क्या है दोस्तों, हीलियम होता है। न्यूक्लिक रिएक्टरों में भारी जल, दोस्तों सबसे पहले भारी जल का सूत्र आपसे पूछा जाए D2O, इसे बोलते हैं D2O, मंदक के रूप में काम लिया, किसके लिए मंदक के रूप में काम लिया जाता है, शीतलक के रूप में किया जाता है, भारी जल पूछा गया। भारी जल का सूत्र D2O आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन के भारी आइसोटॉप के युक्त जल होता है। चलिए निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता नहीं दर्शाता है। चलिए प्रश्न का राइट आंसर एल्यूमिनियम। क्या दोस्तों, एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर है। वायुमंडलीय घटना का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, जैसे अलग अलग सिल्फर रोज होता है, मौसम विज्ञान होता है, वो भूकंप का अध्ययन करने के लिए भूकंप विज्ञान, खगोलीय के बारे में। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मौसम विज्ञान। क्या दोस्तों, मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन सचिवालय कहाँ स्थित है, मॉन्टेरियो। क्या है, मॉन्टेरियो। यस राइट आंसर मॉन्टेरियो। सचिवालय कहां पर है, मॉन्ट्रियल में। कहां पर है, मॉन्ट्रियल के अंदर स्थित है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तीन रेखाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, तीन रेखा, बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और इसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ये पूछा गया है कि बीच वाली रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरती है, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मेक्सिको। दोस्तों क्या, मेक्सिको आपका राइट आंसर है। अधिकांश भूपट्टी पर किस सेल से बनी भूपट्टी होती है, दोस्तों आपको पता है जब ज्वालामुखी फटते ज्वालामुखी के अंदर इसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये सवाल पूछा गया, ज्वालामुखी के जो मुख्य भाग होगा क्रेटर्स बोला जाता है। यस इसका राइट आंसर औषधि चट्टान। कौन सी चट्टान दोस्तों, औषधि चट्टान से निर्मित है। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, बीजापुर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों,
बीजापुर गोल गुंबज के लिए दोस्तों, गोल गुंबज ये किस राज्य के अंदर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स बताएंगे कि ये किस राज्य के अंदर स्थित है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अजराकतावाद का संस्थापक कौन है? रूस, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रूस। यस, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है, बेक्यूनिल। कौन है? बेक्यूनिल। यूएसए में सेन रेफ्सिंस को गदर पार्टी के संस्थापक, दोस्तों गदर पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी संस्थापक कौन थे यूएसए के अंदर? यूएसए के अंदर गदर पार्टी, यस गदर पार्टी के बारे में पूछा गया है। तेरा नंबर प्रश्न, यस राइट आंसर लाला हरदयाल। क्या है? लाला हरदयाल। कौन है भैया? लाला हरदयाल आपका राइट आंसर। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, वेरी इंपोर्टेंट, कोलकाता सबसे पहले, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहां दोस्तों? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। 14 नंबर प्रश्न, 1973 कौन सा अधिनियम? 1973 आपका राइट, 1973 आपका राइट आंसर, 1973। देखिए सत्य शोधक, यहां पर सत्य शोधक संस्था महाराष्ट्र में सभा की स्थापना किसने की? सत्य शोधक के संस्थापक। 15 नंबर प्रश्न, ज्योतिबा फुले, राइट आंसर ज्योतिबा फुले। देखिए निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा, ध्यान रखना दोस्तों, मकर रेखा को दो बार काटती है। मैंने बताया तीनों रेखा, तीनों रेखाओं में से मकर रेखा सबसे नीचे वाली, ये रेखा कौन सी है? करक रेखा है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इस देखेंगे इसका मकर रेखा को कौन काट, लिम्पापुर नदी, कौन सी दोस्तों? लिम्पापुर नदी। करक रेखा को कौन सी काटती है? माही नदी काटती है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहां से प्राप्त होती है? विलो एक लकड़ी होती है, कहां से प्राप्त होती है? यस राइट आंसर पतझड़ी वन से, कहां से होता है? पतझड़ी वन से प्राप्त होती है, पतझड़ी वन से प्राप्त होती है। एशिया की सबसे बड़ी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग टीची। क्या है? यांग टीची नदी। देखिए ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का कौन सा भाग, वेरी 19 नंबर प्रश्न, परछाई, क्या होती है? परछाई कहा जाती है। विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या काम है? विपदा के लिए योजना बनाना, मृत्युदा, सती, जोखिम या अभिवेदन। यस राइट आंसर है सुभेद, सुभेद का। सहलग्नता की खोज किसने की? 21 नंबर प्रश्न, सहलग्नता की खोज किसने की? यस राइट आंसर है बैटेंस। अगला देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जनेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाटेरियम, जनेरा प्लेटेरियम। 22 नंबर प्रश्न, यस बैथम और भूकंप। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीजाणुधारी पत्ते को क्या कहते हैं? बीजाणुधारी पत्ते को क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से। चलिए 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीजाणुपुर। साइकेस क्या है? साइकेस के परवाल मूल की सहायता जल अवशोषण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दोस्तों मास में जल वहन करने के द्वारा, मास के बारे में पूछा गया है, मास में जल वाहक करने का, यस पेरेंकाइमस। अगला देखेंगे दोस्तों फ्लोएम, क्या पूछा है? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? 26 आवर्त बीज। क्या दोस्तों? आवर्त बीज आपका राइट आंसर है। निम्न में से क्या सोपानी परिमाण है बताइए भैया?
यार 27 नंबर प्रश्न। सत्ताईस नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज स्थिति। यस, निम्न में से क्या वेक्टर परिणाम नहीं है? अट्ठाईस नंबर प्रश्न। यस, गति। क्या है गति? आपका राइट आंसर है। एक समान। यस, एक समान गति वाला पिंड 29 बी। यस, अगला देखिए। एक समान वेग से, एक समान वेग से चल रही गाड़ियों में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक परिप्रेक्ष्य द्वारा देखा जाने वाला गेंद पथ कैसा है? 30 नंबर प्रश्न। यस, परवल। क्या है? यस, परवल। चलिए तो दोस्तों, आज हमने किया क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंडियन आर्मी के लिए रोजाना एक क्लास हम अपडेट करते रहेंगे भैया। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहें। धन्यवाद।